किसी भी तरह से हुड़दंगी सामने आकर किसी भी तरह से सुरक्षा व्यवस्था में खलल न डाले, इसकी पूरी तैयारियां की जा चुकी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के निर्देश पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वो खुद सुरक्षा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजधानी की सुरक्षा में 1000 जवान तैनात किए गए। सिर्फ मोरहाबादी मैदान की सुरक्षा में 10 डीएसपी, 25 इंस्पेक्टर, 50 दरोगा और 400 जवान रहेंगे। 15 अगस्त को 6 IPS के जिम्मे राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था होगी। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया है कि बिना पहचान पत्र दिए हुए अगर कोई भी व्यक्ति होटल में पकड़ा जाता है तो उस होटल संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इधर देखिए, राजधानी रांची की बात करेंगे तो यहां पर भी सुरक्षा चाक चौबंद। इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मजबूत की गई है। चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की नजर में पूरी दिल्ली रहेगी। और अगर झारखंड की राजधानी रांची की हम बात करेंगे तो यहां पर भी स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर ली गई है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी की सुरक्षा में 1000 जवानों को तैनात किया गया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि मोरहाबादी मैदान में सुरक्षा में 10 डीएसपी, 25 इंस्पेक्टर, 50 दरोगा और 400 से ज्यादा जवानों को लगाया गया। 15 अगस्त को 6 IPS के जिम्मे राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था इनके हाथों में, सुरक्षा व्यवस्था की कमान सौंपी गई है। तो बिना पहचान पत्र के होटल में पकड़े गए तो संचालक पर, होटल संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।